जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 52 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग 53 नंबर प्रश्न की ओर से आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और 60 प्रश्न कर चुके हैं और 61 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, सिंधु घाटी में प्राप्त अलंकृत मेघभांडों पर बने अलंकरण किस आकार के हैं? तो ये सभी आपके ज्यामिति आकार के हैं, हमने आपको चित्र में दिखाया था। चलिए, 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 62 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पाकालीन स्थल, कांस्ययुगीन स्थल, ये सभी एक ही नाम है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो ये ज़्यादातर आपको आयताकार आकार में मिली हुई है। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 64 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, लोथल से प्राप्त कलाकृति किस काल से है? लोथल से प्राप्त कलाकृति आपका सिंधु घाटी काल से संबंधित है। यूनिकॉर्न छवि हमें कहाँ से मिलती है? तो यूनिकॉर्न हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। ये मृदभांड नहीं है, ये मुहरे हैं। यूनिकॉर्न मूर्तियाँ, चित्रकला, चित्रकला तो था नहीं, मूर्तियाँ आपकी मिली हुई हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और वो तीन पतिया आकार में दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और आपका मातृदेवी और नर्तकी और साथ ही साथ आपका वो जो मतलब पशु के साथ में स्थित, पशु के साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी। चलिए, 66 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से मिलती हैं? तो ये आपका चंद हुदोड़ों से मिलती हैं, पीपल पकड़ी हुई महिलाएं। 66 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पा सब संस्कृति संबंध संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्ट किस जगह पर पाया गया? ये आपका धौलावीरा से मिला है। रॉक कट, रॉक कट मतलब पत्थर को काट करके बनाया जाता है। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि हड़प्पा काल में सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? तो ये व्यापार के लिए किया जाता था, सील का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। 69 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के, किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्यों सभ्यता के रूप में इन्हें जाना जाता है? तो ये स्क्रिप्ट और तांबा से संबंधित होने के कारण इनका मानते हैं कि ये पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में इनको माना जाता है। चलिए, 70 नंबर प्रश्न कह रहा है, दैमाबाद या दैमाबाद इन्हें कुछ भी कहते हैं, दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। 71 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनती थी? तो ये आपकी पकी हुई ईंटों से मकानों का निर्माण होता है। 72 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी में जड हार की खोज इनमें से किस स्थल पे हुई? तो इसकी खोज आपका लोथल से हुई है, जड हार की खोज। एग्जाम में पूछा गया है, NVS 8/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जड हार कहाँ से मिला है? लोथल से। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, ये राजस्थान से, राजस्थान से संबंधित स्थल है कालीबंगा। 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण सामग्री किससे बने हुए हैं? तो ये पत्थर की मोतियों से बने हुए हैं अधिकांश आभूषण। आभूषणों में पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती थी, लेकिन आपका करधनी और झुमका सिर्फ महिलाएं पहनती थी, बाकी अंगूठी कड़हार जो भी है वो सभी पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से पहनते थे। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है? धौलावीरा आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए, 76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मुहरें किस सामग्री से बनी हुई हैं? तो काष्ठ और कांस्य तो था नहीं यहाँ पे, तांबा से नहीं, जबकि सैलखड़ी से बनी हुई अधिकांश मूर्तियाँ, अधिकांश मुहरें हैं। चलिए, 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 77 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, पुरुष धड़ हमने आपको दिखाया था, पुरुष धड़ लाल चूना पत्थर से बना हुआ है,
उसमें सकट भी बना हुआ है, गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई है, पेट हल्का सा निकला हुआ है। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खुदाई कहाँ पर हुई थी? तो हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी और रावी नदी के तट पे पाकिस्तान में स्थित है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? तो नर्तक पुरुष जो दाएं पेड़ पे खड़ा पैर पे खड़ा है वो हड़प्पा संबंधित है, नर्तकी महिला आपका मोहनजोदड़ो से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, 81 नंबर, हड़प्पा में पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया था, तो ये स्लेटी चूना पत्थर से पुरुष धड़ का को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर, 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो ये आपका नेपाल, चीन और अफगानिस्तान में न होकर के पाकिस्तान और भारत में है, तो इसमें पाकिस्तान दिया हुआ है, भारत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता गुप्तकालीन वैदिक कालीन को नहीं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया? तो ये हड़प्पा पर पिंजड़ी पक्षी का पिंजरा आपका मिलता है। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस शहर पर सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है? तो ये आपका, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हड़प्पा से ही ये सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है, रंगपुर, रोपड़ और लोथल से नहीं। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इस परंपराओं में से किसका योगदान है? तो ये हड़प्पा परंपरा का योगदान है, सिंधु घाटी परंपरा और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया का नहीं, हड़प्पा काल, हड़प्पा परंपरा का है ये सिंदूर लगाना जो महिलाएं अब भी लगाती हैं। चलिए 87 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़, हमने बताया इसके पहले प्रश्न आया था, पुरुष धड़ लाल चूने पत्थर से निर्मित है, संगमरमर ग्रेनाइट और का उपयोग नहीं हुआ करता था, जबकि पकी हुई मिट्टियों से वास्तुकला मतलब भवन निर्माण या इत्यादि निर्माण किए जाते थे, स्नानागार और स्टोर रूम के रूप में। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे संबंधित है? तो लाल चूने पत्थर से बना हुआ है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना हुआ है? फिर से वही बात, फिर से वही जवाब, चूना पत्थर से। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी में पाई गई मुहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? तो हम लोगों ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है, उसमें हम लोगों ने देखा कि बैल सबसे ज़्यादा उसमें दिखाया गया है और मृग भी दिखाया गया है, एक सींग वाला मृग, सबसे ज़्यादा बैल की आकृति वहाँ पर मिलती है। अब मोहनजोदड़ो से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला, मुर्दों के टीले के रूप में हम लोग मोहनजोदड़ो के रूप को ही जानते हैं, धोलावीरा और इनको नहीं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 92। तो 92 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो आपका किस रूप में प्राप्त हुई है? तो टेराकोटा शिल्प के रूप में, टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के रूप में ही पाया गया है। चलिए 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो द्वारा प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, लंबाई या ऊंचाई? ये 10.5 सेंटीमीटर माना गया है, 10.5 सेंटीमीटर है। चलिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आप जान लीजिए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, कराची में नहीं है, दिल्ली में है, मोहनजोदड़ो से भले प्राप्त हुआ है। चलिए 95 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक से कास्ट की गई? ये फाइबर से नहीं बनी थी और आपका लुगदी से नहीं, सीमेंट कास्टिंग से नहीं, ये ढोकरा कास्टिंग से बनी हुई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, 96 नंबर प्रश्न कह रहा है, साल ओढ़े वह छोटी डाढ़ी के लिए योगी संबंधित है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो संबंधित है,
वो योगी बाबा। इसके साथ एक और मूर्ति मिली है पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ की मूर्ति में चार पशु हैं चारों ओर, दोनों हाथ की ओर चार पशु मिलते हैं। इसमें गाय नहीं है, याद रखने वाली बात यह है। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे संबंधित है? तो ये आपका कांस्य से बनी हुई है और इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आपका 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नाव को टिकरे पर संबंधित जो चित्र है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। 99 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मृत्तिका देवी की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं कि इसे मिट्टी से बनाया जाता था, बहुत अनगढ़ तरीके से, टेराकोटा, और टेराकोटा से निर्मित है और इन्हें उर्वरता की देवी के रूप में माना जाता है। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्व प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो ये है नर्तकी सिंधु घाटी। बुद्ध सुल्तानपुर नहीं है, नटराज नहीं है। चलिए 101 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, ईंट से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। आप लोग मूवी देखेंगे तो वहां से काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। 102 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं में सर्वाधिक रोमांचक नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है? तो कांस्य से बनी हुई है। 103 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियों पर दाढ़ी मूछ युक्त सिर पर गोल अलंकरण धारण किए हुए बाएं कंधे पर शाल लिए हुए एक अवक्ष प्रतिमा है जिसे किस रूप में जाना जाता है? पुजारी मतलब आंखें बंद किए हुए आधा पुजारी के रूप में जाना जाता है। और अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, साल ओढ़े छोटी दाढ़ी के लिए, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वो योगी बाबा दाढ़ी वाले। 105 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किससे बनी हुई है? तो कांसे से बनी हुई है। तो मित्रों इतना ही है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कल इसका आखिरी वीडियो होगा और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 105 प्रश्न हो चुके हैं और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से अनुरोध है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो चलिए मित्रों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।